चीज़ को आप ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, जिस चीज पे चाहे, उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं। जब भी, जहां भी, जैसे भी, और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते हैं, हटा करके कहीं और लगा सकते हैं। अब आपके हाथ में है, आप एक मिनट रोको, एक घंटा रोको, एक दिन रोको। सोचो कि अगर ऐसा आप भी कर पाओ या और लोग भी कर पाए, तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो कहेगा मुश्किल है या नामुमकिन, जो कहेगा कि नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर, किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें दुनिया में जो नहीं की जा सकती है? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। सो एक चीज समझ आती है कि इससे सब कुछ पॉसिबल है। तो अब सवाल यह है कि इसके बारे में फिर किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी बात क्यों नहीं हो रही? एनी आइडियाज, क्यों नहीं बात हो रही? हमारे घर पे इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? पेरेंट्स जो हैं वो बात क्यों नहीं कर रहे इसके बारे में? पता ही नहीं है। आई थिंक एब्सोल्युटली बैंग ऑन, दे डोंट नो एब्सोल्युटली। कि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जब वो स्कूल में थे, उनसे भी किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी। तो जब उन्होंने नहीं सीखा, वो आगे किसको सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? हाँ, अवेयरनेस की अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस की अवेयरनेस ही नहीं है। पुरानी एजुकेशन में था, जो गुरुकुल्स में होती थी, वहाँ पे सिखाए जाते थे। एब्सोल्युटली राइट। अगर हम पुराने गुरुकुल की बात करें, तो उस समय क्या होता था, एक गुरु शिष्य की जो परंपरा होती थी, शिष्य को अपना घर छोड़ना पड़ता था और आ करके वो गुरुकुल में रहता था। क्यों रहता था? ताकि उसका ध्यान भटके नहीं, 50 जगह ना जाए। उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु का सारा ध्यान एक ही चीज के ऊपर होता था कि किस तरीके से अपने शिष्य के ध्यान को बढ़ाया जाए, ना कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए। नॉलेज इज टेंपरेरी। आज अपने स्कूल में जो चीजें सीखी, उसमें से कितनी चीजें याद हैं, लेकिन सोचो अगर उस टाइम पे एक पीरियड ऐसा होता जहां से आपकी ध्यान की पावर्स को बढ़ा दिया जाता, आपकी अवेयरनेस को बढ़ा दिया जाता, तो आज आप जो चाहते वो सीख सकते थे। लेकिन ये किसी ने सिखाया नहीं, टेंपरेरी नॉलेज देते चले गए। ऐसा नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है लाइफ में। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि अगर 100% ध्यान आप वहां पे दे रहे हो, तो 10% ध्यान यहां क्यों नहीं दे सकते? अब मजे की बात बताता हूं कि अब ये सुन करके आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितना मुश्किल है, क्या है, जबकि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ लोगों को पता नहीं कि इसको करना कैसे, और इसकी प्रैक्टिस आप 24 घंटे कर सकते हैं, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। और इसको अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको 3 लेवल्स पे काम करना, आपके ऊपर है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस लेवल पे काम करना चाहते हो और कितना करना चाहते हो। सबसे पहला जो लेवल है वो है बॉडी, बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका और अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट। आप पूरा दिन बैठे रहो और टीवी देखते रहो, पूरा दिन, शाम के टाइम देखना आपकी अवेयरनेस लेवल कैसी होगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति कैसी होगी। और आप पूरा दिन बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी ना करो, कम भी ना करो, लेकिन एक्टिव रहो, उस समय आप देखना आपकी अवेयरनेस लेवल कैसी है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहला क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर के आना पड़ेगा, उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। अब वो कैसे लाना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या करोगे, बिकॉज इसके हजार तरीके हैं। मैं ये बता सकता हूँ 4-5 चीजें कि मैं क्या करता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूँ। ऑयल पुलिंग एक टेक्निक है जिसको आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो। ये इंडिया से ही शुरू हुई थी, आयुर्वेदा से, अब पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ऑयल पुलिंग बहुत सिंपल है। सुबह उठ करके एक सेसमे ऑयल होता है, तिल का तेल होता है, उसको आपको अपने मुंह में रखना है उठते ही, बिना ब्रश किए, बिना कुछ किए, और 15 मिनट के लिए कुल्ला करते रहना, और उसके बाद में थूक देना ले जा करके फ्लश। उससे होगा क्या, उससे आपकी कम से कम हजारों बीमारियों में आपको फायदा होगा, आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक डिटॉक्स हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है अभी इस चीज़ से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ाने की, आपका आलस मर जाएगा, आलस गायब 15 मिनट के अंदर। प्रॉब्लम है क्या, जड़ क्या है? मेरा जो मकसद है इस सेशन को करने का, वो ये नहीं है कि कुछ थियोरेटिकल बातें करके यहाँ से खत्म कर दूँ, ना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जड़ क्या है कि जब सुबह उठते हैं तो अवेयरनेस लेवल इतना कम होता है हमारा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग रात को लेट सोते हैं, लेट सोए, थक करके सोए, उसके बाद में सुबह लेट उठ रहे हैं, तो अवेयरनेस लेवल गिरा हुआ है ना। उस टाइम पे किसी तरीके से अगर आप जल्दी उठना चाहते हो, तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है।
वो कैसे बढ़ेगी, ऑयल पुलिंग इज अ वे आउट। अब वो करो एकदम एक्टिव हो जाओ, आपका आलस गायब, आंखों के अंदर जो नींद नींद सी आ रही होती है सुबह उठने के बाद में, बॉडी पूरी ढीली होती है, क्यों होती है, क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हुए होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो टॉक्सिन्स गायब, पूरी की पूरी बॉडी क्लीन हुई, एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाएगा, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, वो बढ़ते ही अब उसको यूज़ करना है, क्या करना है, इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करनी है, यही मैं करता हूँ, उठते ही सबसे पहले सुबह बेसिक स्ट्रेचिंग करें, ये किया ये किया ये किया ये किया, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, उससे बॉडी और एक्टिव में आई, अवेयरनेस लेवल और बढ़ी हमारी। उसके बाद में मैंने क्या किया हुआ, अपने घर में थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर लिए, एक रॉड लगवाई हुई है जिसके ऊपर थोड़े से चिनअप्स वगैरह कर लिए और ये सब कर लिया, उसके बाद में योगा कर लेता हूँ 20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि एक घंटे के लिए करना है, दो घंटे के लिए करना है, कभी पार्क चला गया जॉगिंग करने के लिए, इन अदर वर्ड्स किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव करता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो नहीं कर पाऊंगा, ये जड़ है, मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूँ वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है और धीरे 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 दिन के एंड तक पहुँचते पहुँचते हम जा करके पड़ जाते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होता है, अगर सुबह ही आपने अपने आपको एक्टिव कर दिया तो काम हो गया। दूसरा मैं क्या करता हूँ, कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करता, हमेशा सीढ़ियाँ यूज़ करता हूँ, चाहे मुझे 5वें फ्लोर पर जाना है, 10वें पर जाना है, चाहे 20वें फ्लोर पर जाना है, हमेशा सीढ़ियों से जाऊँगा, सिंपल से आइडियाज़ हैं, सिंपल आइडियाज़ हैं जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करना चाहे तो, और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो गई है, बजाय ये कि आप एक घंटा नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करो, अगर 5-5 मिनट की दिन में 10 बार करो, दैट इज़ मच मोर इफेक्टिव, बॉडी लिथार्जिक मोड में जा रही है, एक्शन दे दो। सो ये हो गया पहला लेवल, मतलब कि बॉडी के लेवल पे। अब आ जाते हैं दूसरे लेवल पे, वो है माइंड का लेवल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि माइंड के लेवल पे अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जो माइंड है हमारा वो बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि बॉडी की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब कुछ माइंड के हाथ में है, बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। माइंड के लेवल पे क्या करना है, बहुत सिंपल है, माइंड का क्या नेचर है, एक टाइम पे 10 जगह भागना है ना। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो बच्चे हैं एक ही क्लास में हैं और एक 2 घंटे पढ़ता है, एक 6 घंटे पढ़ता है, दोनों में क्या फर्क है, एब्सोल्युटली वो पढ़ाई के, देखो कितना सिंपल है, कितना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, कि जो 2 घंटे पढ़ता है वो पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ता है, और जो 8 घंटे पढ़ता है या 6 घंटे पढ़ता है वो पढ़ने के टाइम पे और बहुत कुछ करता है। सो सिंपल, माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें हैं, उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है, जहाँ आपकी सांसें बंद हुई माइंड और बॉडी अलग अलग, बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी, उसमें कोई माइंड नहीं है, तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज कर सकते हो। आपको शुरू में टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आप समझ गए, आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। आप अगर चाहोगे कि ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा तो ऐसे नहीं होने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा, एक आप में से किसी ने मेरा वो देखा है इल्यूजन टू रियलिटी वाला सेशन देखा है, उसमें मैंने बात करी थी 32 बार चबाने की, लोग इसी बात को पकड़ के बैठ गए कि इसका मतलब 32 बार चबाओ, वो कोशिश कर रहे हैं, एक दिन किया 2 दिन किया फिर भूल गए, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, वो असली जड़ को समझे ही नहीं जो मैंने कहा था, ये सीक्रेट था उस वीडियो का, मतलब ये मेरे पास में टूल था अपने माइंड को कंट्रोल करने का, जो बहुत पावरफुल जानवर है। माइंड क्या है, एक बंदर के जैसा है, कभी इधर भागा उधर भागा उधर भागा, कभी नोट करके देखना हमारा माइंड 1 मिनट के अंदर अंदर कितनी जगह भाग जाता है, और कई बार ऐसी ऐसी जगह भागता है जिसका एक थॉट से दूसरे थॉट का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। अभी हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, एकदम से फैमिली के बारे में सोचने लग जाएंगे, एकदम से बच्चों की चिंता हो जाएगी, एकदम से पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, एकदम से हम 20 साल आगे चले जाएंगे, फिर हम 20 साल पीछे चले जाएंगे, कहीं का कहीं भाग रहे हैं, कहीं का कहीं भटक रहे हैं। तो इस बंदर को कंट्रोल करना है, विच इज़ वेरी पावरफुल, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक टूल चाहिए जिससे माइंड को हम लगाम दे सकें। आज मैं टूल्स की बातें करने वाला हूँ कि वो टूल्स क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज इटसेल्फ। नॉलेज तो आप 1 मिनट में गूगल पे जाओ गेन कर लो, कैसे पतले होना है, ऐसे आपको 1000 फंडे मिल जाएंगे, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। माइंड की आते कुछ और है, माइंड आपसे कुछ और करवाना चाहता है, वो आपसे 32 बार नहीं चबाना चाहता, आप 32 बार चबाना चाहते हो, तो माइंड को अपने वश में करना है, कैसे करोगे, टूल, ध्यान लगाने के लिए एक टूल चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो टूल क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ,
कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी सी सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर ले आओ। उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है, और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो हम अपने ध्यान को कहाँ ले आए? सीढ़ियां चढ़ने। कितनी छोटी सी चीज लग रही है, और ये करना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर हम करना चाहें तो। अगर हम करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। टूल आपको उस टाइम पे क्या मिला? आपकी ब्रेथ। उसके अलावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उतना ही वो ध्यान बार बार जैसे ही भटकेगा वो वापस वहां पे ले आएंगे। वो टूल्स आपको याद दिलाएंगे, वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं? बैंड पहन सकते हो आप अपने हाथ में, सिंपल सा बैंड आप कहीं से भी खरीद सकते हो और इसको लेकर के अपने हाथ में पहन लो। ये बैंड क्या है? एक रिमाइंडर है टू कम बैक। जब भी आप इसको देखो तो एक रिमाइंडर है, बी अवेयर, एज सिंपल एज दैट। ये क्या है? ये रिमाइंडर है कि ध्यान को भाई खाने पे ले आ, ध्यान तेरा टीवी में जा रहा है, खाने पे ले आ। और नहीं भी चाहेंगे तो लगाना पड़ेगा ध्यान यहां पर इस टूल की वजह से, क्योंकि इस टूल में क्या है, अगर यहां पे ध्यान नहीं लगाया तो खाना कहां होगा? नीचे चला जाएगा। तो ध्यान लगाना पड़ जाएगा। जब तक हमारे पास टूल्स नहीं होंगे हम करना चाहेंगे लेकिन फिर भी कर नहीं पाएंगे। और क्या क्या टूल्स हो सकते हैं? इस तरह से लोग टैटू बनवाते हैं, तो एक सिंपल सा आइडिया है, आप टैटू बनवा सकते हो अपने हाथ में। ये किस चीज का टैटू है? लाइट का टैटू है। इस तरह के प्रिंटआउट्स हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड सेक्शन में, जहां पे वॉलपेपर्स में जाके कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और प्रिंटआउट निकाल सकता है। ऐसे प्रिंटआउट ले ले करके हम घर में चार जगह लगा सकते हैं। उससे क्या होगा? बार बार आपका, आप ये मान करके चलो कि माइंड तो भटकेगा ही, इन बातों को सुनने से कुछ नहीं होने वाला, सब बकवास है, वीडियो ये वो, ये सारी चीज़ें बकवास है जो आप देख रहे हो। जब तक इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में नहीं लेकर के आओगे, जैसे ही आप प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करोगे वो बंदर भागेगा, माइंड आपका इधर भागेगा उधर भागेगा, कहेगा अरे बेकार है छोड़ो, ये सब क्या करना है, बकवास है, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। क्या हुआ? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदलेगा, यही होगा, जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, अवेयरनेस लेवल नहीं बढ़ेगी अगर हमने कुछ नहीं किया तो। और मैं वही बता रहा हूँ कि करना कैसे है, उसके तरीके क्या हैं। इस प्रिंटआउट को हम जगह जगह लगा सकते हैं। इस प्रिंटआउट में क्या लिखा है? अवेयरनेस इज लाइट, एज सिंपल एज दैट। जागना मतलब लाइट और इग्नोरेंस इज डार्कनेस, सोना मतलब डार्कनेस, अंधेरा। बस ये बार 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 दिखेगा तो ये बातें याद आती रहेंगी, क्योंकि वीडियो तो आपने एक बार देखी, दो बार देखी, फिर भूल गए हफ्ते बाद, लेकिन ये लगा रहेगा तीन महीने बाद भी। तो क्या होगा? बार बार याद दिलाने का काम। अब देखो मोबाइल है, हमारे ध्यान को भटकाने की सबसे बड़ी जड़ क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये टूल है। ये गलतफहमी है कि इसकी वजह से हमारा ध्यान भटकता है। इस टूल को हम कैसे यूज करते हैं उसका सारा खेल है। आग है ना, आग से हम जला भी सकते हैं और एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोबाइल में आप हर एक घंटे में रिमाइंडर लगाओ, बी अवेयर, अवेयरनेस इज लाइट, हर एक घंटे में। क्या होगा? टूल बन गया वही मोबाइल, एक जो आपको तंग कर रहा था, आपको डार्कनेस की तरफ लेकर के जा रहा था, वही आपको लाइट की तरफ ले जाएगा। दिमाग लगाओ कौन कौन से टूल्स को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, कहां पर आप ऐसा क्या करना चाहते हो जिसमें आप किसी टूल को यूज कर सकते हो अपने ध्यान को उस काम में लगाने के लिए। और जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं किसी भी फील्ड में, आप ध्यान से देखोगे वो किसी ना किसी टूल को यूज कर रहे हैं। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जितना आप ध्यान रखते चले जाओगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। सोचने के टाइम पे सोचना है, खाने के टाइम पे खाना है, चलने के टाइम पे चलना है, भागने के टाइम पे भागना है, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग है, जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, जब अपनी वाइफ के साथ में लड़ रहे हैं तो सिर्फ वाइफ के साथ में लड़ रहे हैं। अवेयरनेस का मेरे ख्याल से जो ये आईएएस के एग्जाम होते हैं, जैसे उनके इंटरव्यू क्वेश्चन जब आते हैं, शायद अवेयरनेस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उनको चाहिए होती है, जब वो पूछते हैं आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, आपके पीछे वाली दीवार का रंग क्या है, जो सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे। एब्सोल्युटली, कहाँ नहीं चाहिए आप ये बताओ, कहाँ नहीं चाहिए? लोग बात करते रहते हैं जिंदगी भर रेस जीतने की, काम में, किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, जॉब में, इधर उधर बिजनेस में, वो ये नहीं समझ पाते कि कोई भी लड़ाई होती है ना जिंदगी की, वो लड़ाई तो दो मिनट की होती है। फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स है तो कंपटीशन तो दो मिनट का है, दो मिनट की रेस है, लेकिन उसकी तैयारी कितने सालों से होती है? 10 साल से होती है।
कुछ लोग सोचेंगे यार ध्यान लगा करके सीढ़ियां चढ़ने से क्या हो जाएगा, अरे आपकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जब आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर इन चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे एक महीना भी, मैं ज्यादा नहीं कहता, एक महीना भी अगर लग करके आप उसके एक महीने बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, आप देखना आपका अवेयरनेस लेवल कैसा होगा। सामने से क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर पहले ही तैयार होगा। तो इस तरीके से करके इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहां तक ले जा सकते हो अपने ध्यान को, कहां तक बढ़ा सकते हो, कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं। करना क्या है, ये नहीं सोचना कि मुझे वहां पहुंचना है, फिर अटक जाओगे, क्योंकि वहां नहीं पहुंचते हुए दिखे तो फिर छोड़ दोगे ना, वहां नहीं पहुंचना। आज जहां पर भी हो, आपका ध्यान जिस भी लेवल पे है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, बढ़ाते 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 आप उस लेवल पे आ जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे, अपने माइंड, अपने थॉट्स पे, और फिर आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। जिस थॉट को पकड़ना होगा आप पकड़ोगे, चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दोगे, फिर आप वही करोगे जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होगा। आप चाह करके भी कुछ बुरा नहीं कर पाओगे, मतलब इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, सबको, पूरी की पूरी दुनिया को। इसीलिए मैं ये सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, ये फैल जाएगा। अवेयरनेस फैलती है, एक मेरी अवेयरनेस बढ़ी तो अकेले मेरी नहीं बढ़ी, मेरे थ्रू और भी लोगों की बढ़ रही है, और जब उनकी बढ़ेगी तो सिर्फ उनकी नहीं बढ़ेगी, उनके थ्रू और भी लोगों की बढ़ेगी, उनके आसपास में लोगों की बढ़ेगी, और बढ़ते 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 ये फैल जाए, चारों तरफ फैल जाए। अब आ जाते हैं हाईएस्ट लेवल पर। ये था सेकेंड लेवल माइंड का, हाईएस्ट लेवल है सोल के लेवल। तो अगर आप इस लेवल पे जाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है मेडिटेशन, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्योंकि अगर सोल के लेवल पे काम करना है, बाकी जितना भी काम है माइंड का, बॉडी का, वो सब बाहर हो रहा है, कंसंट्रेशन बाहर हो रहा है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, लेकिन जो सोल के लेवल का काम है उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और कितना आसान है मेडिटेशन करना, लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है। एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन, आप लोगों ने देखी हुई है, सबने देखी हुई है, उसको देख करके सिंपल उसको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। करना क्या है, दिन में 10 मिनट भी करें, 15 मिनट भी करें तो बहुत है, वहां से जो पावर्स बढ़ेंगी वो बियॉन्ड है। और अगर मेरा बस चले तो सबसे पहले मैं मेडिटेशन को कंपलसरी कर दूंगा इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वहां पर। सिर्फ 15 मिनट का एक ऐसा पीरियड होना चाहिए डेली हर स्कूल में और हर कॉलेज में, जहां पर इस अवेयरनेस के बारे में कुछ बात की जाए, बजाय उनको रट्टू तोता बनाने के, उनको एक ऐसा इंसान बनाया जाए, बजाय उनको रोज एक मछली खिलाने के लिए उनको मछली पकड़ना सिखाया जाए, ताकि जिंदगी भर के लिए उनका पेट भर जाए, बजाय नॉलेज की एक एक मछली रोज देने के, उनको ये समझाया जाए कि मछली पकड़ते कैसे हैं, कि इस नॉलेज की मछली को पकड़ा कैसे जाता है, वो ध्यान की पावर है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो भी वीडियो में मेरे को देख रहे हैं, अपने एंड पे मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा, और आप लोगों से मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर हो सके तो अगर आप में से कोई टीचर है, पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में है, उनको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, जिस लेटर के अंदर आपको ये लिखना है कि जो मेडिटेशन है उसके बारे में आप कहीं से भी कोई भी आर्टिकल उठा सकते हो। अब तो साइंटिफिक इतनी स्टडीज़ हो गई है मेडिटेशन के ऊपर जिसकी कोई हद ही नहीं है, मतलब हजारों स्टडीज है कि 20 मिनट की जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की नींद के बराबर है। सोच करके देखो, अगर 2 सेशंस के बीच में एक स्कूल में या कॉलेज में एक 20 मिनट का मेडिटेशन का सेशन आ जाए तो उनकी सोचने समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, बच्चों की लाइफ बदल जाएगी। और आपको क्या करना है, लेटर में लिख करके कि वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट अ मेडिटेशन सेशन इन योर स्कूल, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स। एक स्कूल में हजारों बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने पेरेंट्स हैं, मैं कहता हूँ अगर 10 लेटर भी पहुंच गए ना एक प्रिंसिपल के हाथ में, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और उनको बोलो कि अगर आप सब बच्चों के लिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 6th स्टैंडर्ड से ऊपर वालों के लिए कर दो, 6th के लिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 10th से ऊपर वालों के लिए कर दो। करो तो सही। और आई एम 100% श्योर कि अगर हम सब लोग अपने एंड पे इतना छोटा सा भी स्टेप उठा लेंगे, सिर्फ ये लेटर लिखने का, जिसकी मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि सिर्फ एक लेटर लिख करके उस स्कूल में हम पहुंचा देते हैं, तो अगर आधे स्कूल्स भी, जितने स्कूल्स हैं इंडिया में, उसके आधे स्कूल्स भी अगर इसको शुरू कर देते हैं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। मैं लिख करके दे सकता हूं पूरे कागज में।